पूरे भारत में CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में खातेगांव नगर में भी CAA और NRC कानून के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन में काले कानून और केंद्रीय सरकार के इस गलत फैसले के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिला। ज्ञापन हिंदू मुस्लिम एकता मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद और कांग्रेस के लोगों के द्वारा दिया गया। ज्ञापन में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस कानून के खिलाफ सब एकजुट हुए। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। NRC जो है हिंदुस्तान में एक बंटवारा चाहता है, जो कुल मिला के गलत है। हम सारे खातेगांव क्षेत्र के लोग, सतवा क्षेत्र के लोग और पूरे देवास जिले के क्षेत्र के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसे काले कानून को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए और जो मोदी सरकार जिस तरीके से मनमानी कर रही है, इसको देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। आज देश एकता अखंडता के साथ चलने वाला देश है और हमारे देश में एक हमारे देश की एक अलग पहचान है। इस देश की मिट्टी में जो आज हम मुस्लिम समाज को NRC से अलग किया गया है, ये पूरी तरीके से गलत है। NRC आज आप देखिए, NRC में मुस्लिम समाज को ही अलग किया गया है। बाकी अन्यथा अगर कोई पाकिस्तान में रह रहा है, कोई बांग्लादेश में रह रहा है, कोई अन्य देश में रह रहा है, उसको यहाँ लाकर उसको बसाया जाएगा और यहाँ के लोगों से उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है कि वो अपना साबित करें कि आप भारतीय हैं। ये कौन सी वो है, हम यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे और हम आखिरी तक यहीं पर रहेंगे। इसमें मोदी सरकार की जो एक जिस तरीके से तानाशाही है, उसके हम खिलाफ हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।